वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। दिल्ली के अति सुरक्षित समझे जाने वाली तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुजर बुधवार की सुबह बैरक नंबर 3 में मृत अवस्था में पाया गया। जेल प्रशासन का दावा है कि कैदियों के बीच हुए झगड़े में अंकित गुजर की मौत हुई है, जबकि परिजनों ने जेल अफसरों पर उसकी हत्या कराने का आरोप चस्पा किया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस संदिग्ध मौत का खुलासा हो सकता है। यूपी बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी व चित्रकूट जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दो करीबियों की हत्या के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अंकित गुजर का मारा जाना तमाम तरह के संदेह पैदा करता है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। दरअसल ग्रेटर नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय पंडित की हत्या करने में 29 वर्षीय गैंगस्टर अंकित गुजर का नाम सामने आया था। अंकित पर 8 से अधिक हत्या के मामले दर्ज हैं। कुख्यात गैंगस्टर अंकित के परिजनों का आरोप है कि जेल अधिकारी मीणा ने कल उसके पास से मोबाइल पकड़ा था, इसे लेकर दोनों में हाथापाई हो गई थी। बाद में जेल पुलिस उसे ले गई और जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस गैंगस्टर अंकित गुर्जर के शव को दीनदयाल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मकोका के तहत दर्ज मामलों में पिछले साल मई में अंकित को पकड़ा था। उस पर हत्या के 8 से अधिक मामलों के अलावा रंगदारी, हत्या का प्रयास, अपहरण सहित 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुर्जर बागपत के खैला गांव का रहने वाला था। उस पर पूर्व में 1 लाख रुपए का भी इनाम घोषित था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।